देवेंद्र अपनी कोठी की छत पर बैठा हुआ सिगरेट के कश लगा रहा था। उसके दोनों बेटे अभिनव और रवि उसके सामने खड़े थे। डैडी, हमारे कॉलेज की छुट्टियां शुरू हुए एक हफ्ता निकल गया और हम अभी भी दिल्ली में ही पड़े हैं। लोग छुट्टियां मनाने के लिए दूर दूर से दिल्ली आते हैं और तुम यहाँ रहकर भी इस तरह की बातें कर रहे हो। डैडी, हमारा मन हमारे गांव प्रीतमगढ़ हवेली जाने का है। आगे एक शब्द नहीं बोलना, मैं तुम लोगों को वहां जाने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। अरे कहाँ खो गया यार? रवि ने अभिनव का कंधा हिलाया तो वो फ्लैशबैक से बाहर आया। वो कार में बैठा हुआ था और रवि ड्राइव कर रहा था। मैं यही सोच रहा था कि डैडी प्रीतमगढ़ का नाम लेने पर इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो जाते हैं। यार अब उस बारे में सोचना बंद कर, हम वहाँ जा रहे हैं और डैडी को इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा। ये दोनों भाई देवेंद्र से अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए कैंपेनिंग पर जाने का बहाना बनाकर घर से निकले थे, लेकिन असल में उनकी गाड़ी प्रीतमगढ़ की अपनी उस हवेली की तरफ ही बढ़ रही थी जिससे एक पुराना रहस्य जुड़ा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस हवेली की चाबी देवेंद्र के कमरे से चुराई थी जिसको देवेंद्र ने सालों से अपनी कवर्ड में रखा हुआ था। शाम होने तक दोनों प्रीतमगढ़ पहुंच गए। मेन गेट पर कोई ताला नहीं था इसलिए उन्होंने कार अंदर ले ली। कार का दरवाजा खोल जैसे ही अभिनव ने जमीन पर कदम रखा, अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगी और मौसम बदलने लगा। हवेली बहुत ही आलीशान लग रही थी। ओह माय गॉड, कितनी आलीशान हवेली है यार, और डैडी इसको छोड़कर वहां दिल्ली में बैठे हुए हैं। चल अंदर चलते हैं, उम्मीद है कि हमें अंदर सफाई नहीं करनी पड़ेगी। हवेली का ताला खोलकर दोनों उसके अंदर पहुंच गए। अंदर से भी हवेली बहुत ही खूबसूरत थी। उन्होंने डिनर रास्ते में ही कर लिया था इसलिए फ्रेश होकर दोनों अलग अलग कमरों में ठहर गए। अगली सुबह दोनों ने एक ढाबे पर जाकर नाश्ता किया और फिर गांव की सैर के लिए निकल गए। यहाँ का शांत माहौल उनको बहुत अच्छा लग रहा था। गांव की खूबसूरती और सादगी को वो देखते और अपने कैमरे में कैद करते। शाम होते होते वो जंगल की तरफ चले गए। और एक तालाब पर पहुंच गए। वाओ, इट इज सो ब्यूटीफुल यार, काश हम दिन में यहाँ आते तो कुछ घंटे यहीं गुजारते। तो क्या हुआ, अभी कौन सा ज्यादा टाइम हो गया है? अरे भाई, ये दिल्ली नहीं है, रात में यहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा बढ़ जाता है। उन दोनों में बहस होने लगी। रवि वहां से जाना चाहता था और अभिनव रोकना चाहता था, इसलिए अभिनव ने रवि को वहां से अकेले जाने के लिए कह दिया और बोला कि थोड़ी देर बाद हवेली आ जाऊंगा। रवि के वहां से जाने के बाद अभिनव तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। तालाब के अंदर चांद का अक्स बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। उसी अक्स के साथ उसको एक लड़की का अक्स नजर आया। उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने वाले किनारे पर कोई लड़की खड़ी हुई थी। उसको देखने के लिए वो उठकर किनारे से होता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। तब उसने उस लड़की को अच्छे से देखा। उसके गुलाबी होंठ, खुले लंबे बाल, नीली आंखें और लाल ट्रांसपेरेंट साड़ी में चमकता उसका गोरा बदन। आप कौन है और इतनी रात गए इस तालाब के पास क्या कर रही हैं? जैसे आपको शहर की चहल पहल में एक बेचैनी सी महसूस हुई और आप यहाँ चले आए, उसी तरह मैं भी गांव के माहौल से दूर यहाँ तालाब पर चली आई। ये सुनकर अभिनव हैरान रह गया और बोला, तुमको कैसे पता कि मैं शहर से आया हूँ? मुझे आपके बारे में जितना पता है उतना शायद आपको भी नहीं पता। लेकिन कैसे, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, और क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? सब्र रखिए, अभी अचानक आपको सब कुछ बता दूंगी तो आप मुझ पे यकीन नहीं करेंगे। आज 10 बजे के बाद जब आप पूरे 20 वर्ष के होंगे तो आपको धीरे धीरे आपकी असलियत का पता चल जाएगा।
ये सुनकर अब अभिनव की हैरानी की कोई सीमा नहीं रही थी। आखिर इस लड़की को उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता था? तुम कौन हो और क्या क्या जानती हो मेरे बारे में? मेरा नाम कामिनी है और मेरा आपसे क्या रिश्ता है? धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, शायद अगली मुलाकात जल्दी हो। अगली मुलाकात कहाँ पर? आप चाहो तो कभी भी यहाँ आकर मुझे बुला सकते हैं। ये कहकर उसने अपने गले से एक लॉकेट उतारा और अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। ये एक संपर्क सूत्र है, शाम ढलने के बाद आप जब भी इस जगह आकर इस सूत्र को अपनी मुट्ठी में दबाकर आंखें बंद करके मुझे याद करेंगे तो मैं कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आजमा कर देख लीजिएगा, दिल से याद करना, जरूर आऊंगी। कामिनी उस लॉकेट को अपनी मुट्ठी में बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगी, फिर उसने वो लॉकेट अभिनव के गले में पहना दिया। प्लीज मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मेरे साथ आज क्या होने वाला है? मैं कौन हूँ ये आपको बाद में बताऊंगी, पहले जान लीजिए कि आप कौन हैं। आप असल में कोई आम इंसान नहीं हो, एक दैत्य हो। एक ऐसा दैत्य जो खुद को जिंदा रखने के लिए इंसानों का खून पीता है और उनका मांस खाता है। ये तुम क्या कह रही हो? अगर ऐसा है तो मैंने आज तक किसी को क्यों नहीं मारा? आज 20 वर्ष होने के बाद पहली बार आपके अंदर दैत्य जागेगा। आज की रात आप अपना पहला शिकार करने वाले हैं। आज आप एक जानवर के खून से अपनी प्यास और उसके कच्चे मांस से अपनी भूख शांत करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम्हारी इस बात पर भरोसा नहीं है। ये सुनते ही वो तिनक कर बोली, ठीक है अब आप मुझसे तभी मिलना जब मेरी बात पर भरोसा हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से उठ तेजी से झाड़ियों के पीछे वाले रास्ते में चली गई। अभिनव ने उस तरफ जाकर देखा तो वहां से गायब हो चुकी थी। अभिनव हवेली वापस आया और फिर सोच में पड़ गया, कामिनी कौन है, क्या है, उसने ऐसा क्यों बोला कि मैं एक दैत्य हूं? इन्हीं सवालों के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। रात के तकरीबन 3 बजे वह अचानक से जाग उठा। उसको बहुत जोरों की गर्म लगने लगी और बेचैनी से होने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? वो उसी टाइम हवेली से बाहर निकल गया। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा और नाखून खतरनाक होने लग गए। तभी एक तेज शोर करती हुई भेड़िए की गुर्राने की आवाज आने लगी और उसका ध्यान उस तरफ गया। अब उसके दांत भी किसी दैत्य के जैसे खूंखार हो चुके थे। उसने महसूस किया कि आवाज हवेली के पिछवाड़े से आ रही थी। वह वहां पहुंचा तो एक भेड़िया वहां खड़ा रोर कर रहा था। अभिनव तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा और किसी शेर की तरह उस भेड़िए पर झपटा और उसकी गर्दन पर दांत गाड़ दिए। भेड़िया बहुत जोरों से हुंकारा और फिर शांत हो गया। अभिनव ने उसका खून पीने के बाद उसका दिल निकाला और उसमें मुंह मार दिया। जंगल के सन्नाटे में चबड़ चबड़ मांस चबाने की आवाज गूंजने लगी। उसके बाद अभिनव आसमान की ओर मुंह करके जोरों से चिल्लाया। सुबह अलार्म बजने पर उसकी आंख खोली। उसने टाइम देखा तो 8 बज चुके थे। वो डरते हुए उठा और खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें, पंजे और दांत सब कुछ नॉर्मल थे। थैंक गॉड, वो सपना था। वो खुश हो गया और कमरे से बाहर निकला। ब्रेकफास्ट टेबल पर जब रवि और वो दोनों बैठे तो रवि बोला, यार आज सुबह से ही बड़ी अजीब सी गंदी सी बदबू आ रही है, तुझे नहीं आ रही है क्या? हाँ आ तो रही है,
मैंने सारी हवेली में देखा लेकिन कुछ नहीं मिला, शायद बाहर से आ रही है। ये सुनकर अभिनव का माथा टनक गया और उसने उसी टाइम उठकर वो खिड़की खोली जो हवेली के पीछे खुला करती थी। उसने देखा कि वही भेड़िया चीरी फटी हालत में जमीन पर पड़ा था। उसके सीने से दिल भी निकला हुआ था। अब उसको समझ नहीं आया कि रात को उसने सच में उस भेड़ियों को अपना शिकार बनाया था या फिर वो सिर्फ एक सपना था। पूरे दिन वो इसी असमंजस में लगा रहा। फिर रात होते ही तालाब के किनारे पहुंचा। उसने लॉकेट को मुट्ठी में थामा और कामिनी को याद करने लगा। कामिनी, तुम कहाँ हो? आ जाओ कामिनी। थोड़ी ही देर में उसको महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसकी कमर पर हाथ रखा है। क्यों याद कर रहे हो हमें? आपको तो हम पर भरोसा नहीं है ना? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से वो एक सपना था, लेकिन जो कुछ भी मैंने सपने में देखा वो भेड़िया उसी हालत में उसी जगह मरा पाया गया। आप सो जाने के बाद दैत्य बनकर उठ जाते हैं, फिर आपके अंदर का दैत्य शिकार करता है और फिर सही सलामत होकर फिर से सो जाते हैं। आपको यही लगता है कि आपने सपना देखा है लेकिन वो एक सच होता है। तो अब आगे क्या होगा? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अगला शिकार आप अपने भाई रवि का करने वाले हैं। ये सुनकर अभिनव का दिल दहल गया। नहीं, कामिनी आखिर कौन है? अभिनव सच में कोई दैत्य है या फिर ये कामिनी का कोई षड्यंत्र है? आखिर अभिनव सच में रवि का शिकार करने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस कहानी के दूसरे और आखिरी भाग में।